सोलन की बेटी अरुणिमा शर्मा ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 98 नंबर लेकर हिमाचल में चौथा स्थान हासिल किया है। उसकी उपलब्धि को लेकर सोलन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं परिजन भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरुणिमा के परिवार में पिता दादा सभी चिकित्सक रहे हैं। यही कारण है कि वह उनकी तरह चिकित्सक बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इस मौके पर अरुणिमा शर्मा ने कहा कि इस बार शायद उनकी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य से थोड़ा चूक गई, लेकिन प्लस टू की परीक्षा में ना केवल हिमाचल में बल्कि पूरे भारत में कड़ी मेहनत कर प्रथम स्थान हासिल करेगी और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। अरुणिमा ने कहा कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह डॉक्टर बनना चाहती है और अपने परिवार की तरह ही वह लोगों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहती है। मेरे 10th में 98% से मार्क्स आए हैं और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। और आगे मैंने मेडिकल लाइन ली है और मैंने डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरी फैमिली में सारे ही डॉक्टर हैं। एंड मैंने स्टार्टिंग से ही देखा है कि कैसे लोग ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं और वो होता है, एंड आई रियली वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इसलिए मैंने मेडिकल लाइन ली है। और इससे तो बहुत ही खुशी पता चला कि सोलन ज़िले में और पहला और वो हिमाचल में चौथा है, तो उससे जान के बड़ी खुशी हुई और कि मैंने इतने अच्छे वो उससे किया, पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। मेरे पेरेंट्स का, फैमिली, स्कूल, टीचर्स सब ने मिलके मेहनत किया और सबका ही मतलब रिजल्ट, सबकी वो मेहनत का एक वो है, रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं कमी तो रह गई होगी, अब कोई किसी और के ज़्यादा है तो उनकी ज़्यादा मेहनत रही होगी, बट आगे के लिए हमेशा अब ज़्यादा मेहनत करके और आगे का रैंक देखने के लिए वो हो सकता है।